फ्रेंड्स, आज बनाते हैं अरुई के पत्तों की सब्जी, वो भी साग के रूप में। देखिए, छोटे छोटे पत्ते हैं, बहुत ही कोमल हैं पत्ते। इस तरह के पत्ते ले लेंगे और उसको काटने में परेशानी होता है। उसको क्या करना है कि एक साथ रख कर उसको रोल कर देना है। इस तरह से रोल करके आराम से इसको बारीक बारीक काटा जा सकता है। देखिए, इस तरह से आप पतले 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 रूप में इसको काट लेंगे। मैं इस तरह से इसको काट रही हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है पत्ता, छोटा होने के कारण और सॉफ्ट है। और खाने में इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगता है। ये देखिए, अब इसको घुमा लेंगे, छोटे छोटे और पीस में काट लेंगे इसको कि जल्दी से ये गल जाएगा और सब्ज़ी खाने में और स्वादिष्ट हो जाएगा। बारिश के मौसम में अरवी के पत्ते खूब मिलते हैं और ये खाने में भी हेल्दी है। तो इस तरह से आप साग बना कर ज़रूर देखिए। चलिए, इसके लिए मैं हरा मिर्चा ले रही हूँ। हरा मिर्चा को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार करूँगी। इस तरह से आप अपने टेस्ट के अनुसार मिर्चा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, अब लहसुन काटते हैं। लहसुन मैं 4 कली ली हूँ, मुझे इतना ही काफ़ी लग रहा है क्योंकि पत्ते गल जाएंगे। 4 कली बहुत है इस सब्ज़ी के लिए। तो इसे बारीक बारीक काट कर तैयार कर लेना है। चलिए, बर्तन गरम करके उसमें आधा बड़ा चम्मच तेल डालकर छौंक लगाते हैं। छौंक लगाने के लिए मैं जीरा ले रही हूँ। जीरा से छौंक लगाएंगे। जीरा को लाल होने के बाद इसमें कटे हुए लहसुन मिर्चा डालकर उसको गुलाबी करेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। ज़्यादा लाल होने से टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। लाल होने के बाद इसमें अरुई के पत्तों के कटे हुए साग को डालकर अच्छी तरह से चला लेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से चलाने के बाद इसमें नमक मिला लेंगे। नमक मैं पहले ही मिला रही हूँ। नमक मिलाने से साग और जल्दी गलेगा और सॉफ्ट हो जाएगा। इसको इस तरह से चलाते हुए हम लोग इसमें हल्दी पाउडर मिलाएंगे और इसमें थोड़ा सा हम लोग मसाला मिलाएंगे, गरम मसाला। मैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला मिला रही हूँ। और थोड़ा जीरा पाउडर, और सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको चलाते रहेंगे। देखिए, इतने अच्छे से ये गल गया है और इतना मुलायम हो गया है। अब अंत में इसमें आमचूर पाउडर मिलाएंगे। आमचूर पाउडर अगर आप पसंद करते हैं तो 1 चम्मच, नहीं पसंद करते हैं तो आधा चम्मच इसमें मिला के देखिए, इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। और पत्तों का जो थोड़ा सा कसाव है वो निकल जाएगा, गले में नहीं लगेगा और साग भी स्वादिष्ट बनेगा। देखिए,
ये साग बनकर तैयार हो गया इस तरह से। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको पसंद आने से आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।